Hello, so we will start with our fifth class and last one for chapter one. So in last class we have discussed about COVID-5. So इस क्लास में भी कुछ पार्ट ऐसा आएगा जिसमें COVID-5 डिस्कस होगा. इस क्लास को भी आपको फोकस रखना है, अच्छे से ध्यान रखे पढ़ना, अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल साथ में रखना, नोट्स बनाना एंड सिंसियर होके पढ़ना. जहाँ पे समझना है क्लास को पॉज करो, बैक जाओ और दोबारा सुनो. सो लेट अस बिगिन. सो आवर फर्स्ट स्लाइड फॉर क्लास फिफ्थ टॉपिक नंबर 11 है. ये बात कर रहा है कंप्लाइंस रिव्यू के बारे में. हुआ क्या था कि यूएस में बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो फेल हो गई हैं, तो उसके कारण कुछ स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस आए थे. बहुत बड़े बड़े घपले हुए थे कि गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी हो गया था कि कुछ ऐसा ले गया है जिससे फ्यूचर में ये सब कुछ ना हो. तो यूएस में सार्बिन ऑक्सले एक्ट आया था इस बात को कवर अप करने के लिए, मीन्स कवर अप करने के लिए आगे के लिए ऐसा ना हो उस चीज के लिए. और जैसे यूएस में सार्बिन ऑक्सले एक्ट आया था, ठीक उसी लाइन पे इंडिया में आया था क्लॉज 49, ये सेबी ने निकाला था. बट ये काफी सिमिलर है यूएस के सार्बिन ऑक्सले एक्ट से, एक लगा लीजिए उसी के बेस पे लेके उसको ड्राफ्ट किया गया. ये भी इसी तरह सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन को मैंडेट करता है, लाइक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज के रिस्क को मैनेज करने का. आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको असेस करना, एनालाइज करना, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना, मिटिगेट करना उसको और फ्यूचर में उस पर नज़र रखना, उसको मॉनिटर करते रहना ताकि दोबारा ना आए. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी आया था इंडिया में 2000 में आया था और 2008 में इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई थी, इसको और स्ट्रिक्ट बनाया गया था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जरूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी उनको थोड़ा नॉर्मलाइज भी किया गया था. ये एक्ट भी बहुत सारे साइबर क्राइम्स को आइडेंटिफाई करता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और वो क्रिमिनल पेनल्टी भी लगाता था, क्रिमिनल केस भी डाल सकता था इस एक्ट के अकॉर्डिंग. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 3 है हमारी. जितनी भी इंडिया में लिस्टेड कंपनीज हैं, ऑल लिस्टेड कंपनीज, वो एक एग्रीमेंट करती हैं सेबी के साथ. सेबी के साथ नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ करती हैं वो एक एग्रीमेंट जिसको कहते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट. और ये एग्रीमेंट के वर्ड एक टाइप से प्री डिफाइंड है, सभी ने प्री डिफाइन किए हुए हैं इसके वर्डिंग्स और उसी के तर्ज पे ये एग्रीमेंट आगे होता है. सम क्लॉज जो है एडिशनल डिस्क्लोजर इसमें रहते थे, उसमें एडिशनल डिस्क्लोजर रहे. यूएस में PCAOB यानी कि पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये नज़र रख रहा है, वो आया था ऑडिट के लिए. ऑडिट की गाइडलाइंस है इंडिया में, ऐसी गाइडलाइंस कौन लेके आया, ऑब्वियसली ICAI लेके आया. इंडिया में एक सेपरेट एग्जर भी बनाया गया इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते, जिसको आप जानते हैं कारों के नाम से, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर. सो अब आप समझे होंगे, आपने कारों के बारे में पढ़ा बहुत बार, बट अब आपको पता लगा इसके आने की क्या रीज़न क्या थे इसके आने के. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, उसमें वापस से हम COVID-5 पे पढ़ेंगे. COVID-5 में कंप्लाइंस के रिगार्ड में क्या कहा गया, ये है. आपको मैंने पहले क्लियर किया था कि कंप्लाइंस से डील कर रहे हैं दो स्टैंडर्ड्स MEA मैनेजमेंट के हैं, दोनों स्टैंडर्ड MEA 02 और MEA 03. MEA 02 डील करता है इंटरनल कंप्लाइंस से, MEA 03 डील करता है एक्सटर्नल कंप्लाइंस से. MEA 03 में जो है प्रोसेस में ऐसे डिफाइन किया जाता है कि IT के प्रोसेस को इवेल्यूएट कर सके और वो लॉ एंड रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो.
ये बताया गया है स्लाइड में, आप पढ़ सकते हैं स्टोरी का स्टडी मटेरियल में, जस्ट सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया कि हमें कंप्लाइंस चाहिए, यानी कि जो लॉज हैं वो फुलफिल हो, तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि एंटरप्राइज की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑल एक्टिविटीज, इस पर एक कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए, यानी कि एक चेक पॉइंट होना चाहिए, ताकि जब हम काम कर रहे हैं उस पर एक कंट्रोल भी रहे। तो जब कंट्रोल रहेगा तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो कंप्लाइंस है वो फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इन एडिशन टू एक्टिविटीज, COVID-5 सजेस्ट करता है कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहे। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आपको एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, तो आप उस काम को सीरियस होके करेंगे और आप चाहेंगे कि उसमें गलती ना हो, उससे रिलेटेड कंप्लाइंस फुलफिल। तो ये बात होती है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आपके ऊपर जिम्मेवारी दी जाएगी, पर आपके ऊपर उसको अकाउंटेबल भी रखा जाएगा, ताकि गलती हो तो आपसे सवाल पूछ सकेंगे कि क्यों हुई ये गलती। एडिशनल पर ये क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट डोमेन, पहले भी बताया है कि EDM 01 और EDM 05 से डील करता है, यानी कि मैंने कहा मैनेजमेंट डोमेन करता है MEA 02 और MEA 03 से। गवर्नमेंट डोमेन जो है डील करता है EDM 01 से 05 तक। अब जो स्लाइड आ रही है वो दोबारा से SSQ है, SSQ सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चन। आपको पहले की भी क्लास में मैं बता चुका हूँ कि की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत बार है इस चैप्टर में, तो एक और बार आ गया की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। किस बात की है सर? तो ITK कंप्लायंस। तो ITK कंप्लायंस के लिए यहाँ पे बात हो रही है, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल कंप्लायंस रिलेशन में बात की जा रही है, यानी कि मैनेजमेंट रिलेटेड पॉइंट में मैंने आपको बताया था MEA 03 एक्सटर्नल कंप्लायंस, तो उसके रिगार्ड में बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, कंप्लायंस के लिए जो बात हो रही है बहुत सिंपल पॉइंट है, हम बहुत आसानी से समझेंगे। पहले आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसके लिए एक ऑप्टिमम रिस्पॉन्स बनाओ, ऑप्टिमाइज करके उसको रिस्पॉन्स करो, फिर कन्फर्म करोगे, आपने एक्शन को कन्फर्म कर लिया, और लास्ट में किसी एक्सटर्नल ऑडिटर की एश्योरेंस ले लो। सिंपल सी बात है, लॉजिकल भी है बहुत, आप समझ जाएंगे कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे पहले, उसके लिए उसका एक रिस्पॉन्स बनाओगे, फिर कंफर्म करोगे भैया कि मैंने जो कंप्लायंस थे अपने, अपनी कंफर्मेंस लोगे कि थे कि नहीं, उसके बाद अपनी लेने के बाद आप एक्सटर्नल कंफर्मेंस लोगे कि हाँ जो चीज़ चाहता था वो फुलफिल हुई या नहीं हुई। सो फिर से एक SSQ, यहाँ पे की प्रैक्टिसेस नहीं, यहाँ पे की मैट्रिसेस है। की मैट्रिसेस भी पहले 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बताया मैट्रिसेस नंबर से या परसेंटेज से लिंक होता है थोड़ा बहुत। मैट्रिसेस का मतलब ही वो है कि किसी चीज़ को नाप रहे हो, किसी चीज़ का आंकलन कर रहे हो कि भैया कितना वो हो। तो की मैट्रिसेस फॉर असेसिंग कंप्लाइंस प्रोसेस, कि कंप्लाइंस हुआ कि नहीं हुआ, उसको कैसे हम असेस करें। तो कंप्लाइंस दो टाइप के, एक एक्सटर्नल कंप्लाइंस, एक इंटरनल कंप्लाइंस। आप देख रहे होंगे मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए बुक के उसमें ना जाके एक चार्ट फॉर्म में बनाया। सी दिस, दीज आर फॉर एक्सटर्नल कंप्लाइंस एंड दिस पार्ट हेयर इट इज फॉर इंटरनल कंप्लाइंस। आपके लिए देखिए सिंपल सा पॉइंट है कि कॉस्ट कितनी लगी नॉन कंप्लाइंस, नंबर ऑफ नॉन कंप्लाइंस जो रिपोर्ट हुए, कितने नॉन कंप्लाइंस रिपोर्ट हुए, नंबर ऑफ नॉन कंप्लाइंस जो रिलेट करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट्स। मैंने आपको बताया ना हर टाइप के कंप्लाइंस, इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स वाले की बात है। कवरेज कितनी है कंप्लाइंस की असेसमेंट की, मतलब आपको पता होगा सैंपल ऑडिट होता है, तो यहाँ पे सैंपल ऑडिट हुआ तो कितना परसेंट ऑडिट हुआ। दूसरा डील कर रहा है इंटरनल कंप्लाइंस, तो कितने लोग हैं जो आपकी इंटरनल पॉलिसीज को समझते हैं, नंबर वन पॉइंट। नंबर ऑफ नॉन कंप्लाइंस, नॉन कंप्लाइंस कितने हुए, परसेंटेज ऑफ पॉलिसी, कितनी पॉलिसीज ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिसके लिए आपने स्टैंडर्डाइज किया हुआ ऑपरेशन, और कितने टाइम में आप पॉलिसी को अपडेट करते हैं, क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट हो रही है तो आपको अपडेशन जरूरी है। दिस इज व्हाट इट इज डीलिंग अबाउट।
और अब आप स्क्रीन को ये देखिए कि एक्सटर्नल वाले में आप देखें 3 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे नॉन कम्प्लायंस वर्ड यूज हो रहा है। तो अगर आप इसको पकड़ लें बात को, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को, तो आपको याद रखने में आसानी होगी और पेपर में नंबर ज़्यादा आएंगे ऑब्वियसली। तो इन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, नोट कीजिए, ध्यान रखिए। अभी कंप्लायंस वाले उसके लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि पॉलिसी फटाफट अपडेट होनी चाहिए क्योंकि चेंजेस बहुत आ रहे हैं। तो अब हमारा नया टॉपिक आया है इंफॉर्मेशन सिस्टम की एश्योरेंस। तो इसमें आप देखेंगे कि रैपिड चेंजेस हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा फटाफट आ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन पे रेगुलेशंस भी स्ट्रिक्ट लग रही हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन, उसके लीडर्स, उसके मैनेजर्स, ये सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स या मैनेजर्स के लिए ये आवश्यक हो गया है कि आईटी का यूज़ इफेक्टिव हो, ताकि ना केवल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो बल्कि एक्सटर्नल और इंटरनल कंप्लाइंस भी फुल गोल। ये नहीं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या जो भी और ऑर्गेनाइजेशन का गोल है खाली वो फुलफिल हो रहा है, बट कंप्लाइंस भी फुलफिल हो रहे हैं। ये भी ये ध्यान रखना एक मेन पॉइंट है। तो पहले हमने COVID-5 में कंप्लायंस की बात की, फिर हमने बात की इंफॉर्मेशन सिस्टम के एश्योरेंस की। अब बात करें COVID-5 इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज समहाउ रिलेटेड टू हाउ वेरियस पीपल कैन यूज, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर देम टू यूज COVID-5। यानी कि जो बहुत सारे पीपल हैं, मैनेजर्स हैं, वो कैसे यूज कर सकते हैं COVID-5 को, या उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है COVID-5 को यूज़ करने की। तो ये पॉइंट है। तो पहले बात करते हैं ऑडिटर कैसे यूज़ कर सकता है। तो ऑडिटर को, ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रोसेस, सिंपल। अगला पॉइंट स्टाफ, स्टाफ के लिए डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए कंट्रोल होना चाहिए, तो ये वही बात हो रही है। स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर हो या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए COVID-5 इसलिए है क्योंकि ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया, तो मैनेजमेंट चाहे आईटी फील्ड से ना भी हो तो भी उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम बड़े सारे और फ्रेमवर्क समझाए हैं, ये मैं आपको पिछली स्लाइड में, पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क वाला पॉइंट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आईटी की गवर्नेंस को इवेल्युएट करने की प्रैक्टिसेज हैं बाय इंटरनल ऑडिटर। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिटर कैसे आईटी की गवर्नेंस को इवेल्युएट कर सकता है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, अराउंड 5 से 7 स्लाइडों में डिवाइडेड है। तो आप फोकस दीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें 6 हेडिंग्स हैं, मैं उसको आपको याद करवाने के लिए एक टेक्निक बताऊंगा। सो रेडी रहिए पेन पेन पेंसिल के साथ। पहले हेडिंग्स याद करना, फिर उस हेडिंग्स के अंदर के पॉइंट्स याद करना, सिंपल हो जाएगा आपके लिए आई सपोज, अगर आप फोकस रखेंगे तो। वेरियस कंपोनेंट जो इवेल्युएट करने हैं ऑडिटर को, उसकी पहली मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ। यहाँ पे इस लाइन में खाली एक आ रही है, पर बाकी भी है। को याद करने के लिए पहले आप लिख लीजिए LOC पर परफॉर्मेंस, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर परफॉर्मेंस। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे LOC फिर स्पेस PR पर फिर स्पेस लेके परफॉर्मेंस लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ L से क्या है। L से है लीडरशिप। अब मैं आपको लीडरशिप के पॉइंट्स बता देता हूँ। लीडरशिप के पॉइंट्स के लिए मैंने साथ में एक और वो लिखा हुआ है, आप देखेंगे डेट, RADE, ये भी फर्स्ट लेटर्स हैं आने वाले पॉइंट्स के। सी देखिए, RRDAE, मैंने रेड में हाईलाइट कर रखे हैं पहले लेटर्स, तो शायद आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा कि लीडरशिप का पॉइंट लंबा है तो उसको कैसे याद करना है। सबसे पहले देखते हैं ई से है क्या है। ई से है इवेल्युएट करना है रिलेशनशिप, इसके बीच पर आईटी के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, और लीडर की इफेक्टिवनेस कैसे अपने आगे सबॉर्डिनेट्स में इन चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को
नीचे तक उसको कम्युनिकेट करना, ताकि सब मिलकर साथ चले। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे साथ में लेके आए, सबको साथ में लेके आए। दूसरा क्या है, असेस करना है इन्वॉल्वमेंट को आईटी की लीडरशिप में। पहले जनरल लीडरशिप की बात हुई, अब आईटी की लीडरशिप में, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आईटी की लीडरशिप कैसे अपना साथ दे रही है। डिटरमाइन करना है कि हाउ आईटी विल बी मेजर्ड इन हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले में असेस करना है, दूसरे में डिटरमाइन करना, सिंपल। रिव्यू करना है रोल सीनियर मैनेजमेंट का, स्ट्रॉन्ग आईटी गवर्नेंस कैसे, यानी कि मैनेजमेंट ही गवर्न करेगी, तो वही ऑब्वियस सी बात होगी, तो सीनियर मैनेजमेंट आईटी को कैसे गवर्न करेगी, ये पॉइंट है। रिव्यू करना है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कैसे होंगी, यानी कि आईआरकी कैसे बनेगी और वो एग्जीक्यूट कैसे होगी। सो एलओसी पर परफॉर्मेंस में हमारा एल हो गया लीडरशिप, और उसमें भी फर्दर रेट रिव्यू, रिव्यू डिटरमाइन असेस इवेल्युएट। अगला आ गया एलओसी का ओ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बाकी सिंपल सा पॉइंट है कि हायरार्की के बारे में ही बात कर रहा है, कि प्रोसेस कैसे फ्लो होगा, कौन सा पर्सन कौन सा काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लिमिटेशन, उनके कंट्रोल्स क्या क्या हैं, उन सब के बारे में ही डील कर रहा है। प्रोसेस फ्लो के बारे में, हायरार्की के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वाला पॉइंट डील कर रहा है। एलओसी का सी, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स के बारे में क्या कहता है, कि कंट्रोल डिफाइंड होने चाहिए, ओनरशिप की डॉक्यूमेंट वगैरह रिव्यू करना चाहिए, ये इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करे कि भैया ओनरशिप कौन से काम का, बंदा कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है कि नहीं है, वो सब इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करेगा। प्रोसेस जो है वो रोबस्ट होना चाहिए। रोबस्ट क्या होता है, कि हर चीज़ को मतलब अपने अंदर संभाले, जो भी पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं उसे पहले से पता हो कि ये रिस्क हो सकता है, इसके लिए मेरी ये टॉलरेंस है, इसके लिए मेरे को ये स्टेप्स लेने हैं, तो वो चीज़ उसमें पहले से संभाली होनी चाहिए, यानी कि रोबस्ट होना चाहिए। रोबस्ट प्रोसेस ऑफ टेकिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। हमने कर लिए एलओसी वाले पॉइंट्स कर लिए, अब आगे पी और आर वाले पॉइंट्स, प्रोसेस और रिस्क, दोनों सेम स्लाइड पे। प्रोसेस वाला क्या कहता है, तो जो प्रोसेस है उसको इवेल्युएट करो, ठीक है, याद करो कि भैया व्हाट प्रोसेस इज यूजफुल, लाइक आईटी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रोसेस को यूज करिए आईटी के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ताकि कंसिस्टेंसी रहे डिलीवरी में। क्या प्रोसेस यूज हो रहा है कि रिस्क मिटिगेट हो, और अश्योर करना कि जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो मीन्स प्रोवाइड भी करता है, कि भैया जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ वो प्रोवाइड भी कर रहा है, मतलब हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फाइनल रिजल्ट। सेकेंड पॉइंट है रिस्क का, रिव्यू करना है प्रोसेस, यहाँ पे वापस से प्रोसेस वर्ड आ गया। रिव्यू करना है प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट, प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है, कि रिस्क को असेस कैसे किया जा रहा है, उसका क्या प्रोसेस है। प्लस मैंने पहले आपको कहीं बताया था कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क में वो भी चीज़ आ जाती है, कि रिस्क कम करने के लिए अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डिफाइन करेंगे, से आपको फायदा होगा। अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करना, रिव्यू करना प्रोसेस, रिव्यू करना प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है, टू आइडेंटिफाई रिस्क, असेस रिस्क, मिटिगेट रिस्क। तो रिस्क से रिलेटेड ये पॉइंट तो आपको हमेशा ही घोट के पी लेना, कि आइडेंटिफाई करो, असेस करो, मिटिगेट करो। एलओसी भी हो गया, पीआर भी हो गया, अब आता है आखिरी वाला परफॉर्मेंस, एलओसी का परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस वाला पॉइंट किस चीज़ से डील करता है, मेजर करना है रिजल्ट को या परफॉर्मेंस को, मेजर करेगा रिजल्ट को या परफॉर्मेंस को, जहाँ आईटी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे अपने जहाँ पे आईटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहाँ पे आईटी क्या परफॉर्मेंस दे पा रहा है, क्या वो रिजल्ट मिल रहा है, इस चीज़ को मेजर करना है।
दिस इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है सैंपल एरिया ऑफ रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर के लिए सैंपल एरिया क्या है रिव्यू के लिए? रिव्यू किस चीज़ का? रिव्यू ऑफ जीआरसी का। तो इसमें दो पॉइंट्स आ रहे हैं अभी इस स्लाइड में, ये भी 3 स्लाइड तक का है एक्सप्लेनेशन, तो तीनों स्लाइड तक फोकस रखिएगा। सबसे पहले डील करते हैं स्कोप, यानी कि स्कोप एक लिमिटेशन डिफाइन कर देता है, बाउंड्री डिफाइन कर देता है, जो डिफाइन करेगा कि क्या चीज़ ये कवर कर रही है क्या चीज़ ये कवर नहीं कर रही। सिंपल सी एक लिमिट हो गई, एक दायरा हो गया, लक्ष्मण रेखा हो गई, उसके अंदर ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। उसके अंदर का सब कुछ कवर होगा, उसके बाहर का कुछ भी कवर नहीं होगा। सो दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा गवर्नेंस का। तो इंटरनल ऑडिटर मस्ट कंट्रीब्यूट, इंटरनल ऑडिट इसको मैंने देखे एकदम बीच बीच में तोड़ के लिखा हुआ है, तो इस चीज़ पे फोकस रखेंगे कि कहाँ कहाँ ब्रेकेज है, तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। सो इंटरनल ऑडिटर फिर है मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, इंटरनल ऑडिटर को कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स किसी का इम्प्रूव करना है गवर्नेंस के प्रोसेस को, ठीक है? किसने इम्प्रूव करना है? फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नीचे उनके लिए, उनके लिए कि ये वाले ऑब्जेक्टिव्स इम्प्रूव हों, इसलिए गवर्नेंस के प्रोसेस को इम्प्रूव करना। सो प्रोमोटिंग अप्रोप्रिएट एथिक्स एंड वैल्यू, एथिक्स या वैल्यू अप्रोप्रिएट रहे इसलिए, इंश्योरिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल, यानी कि मैंने आपको बताया लीडरशिप का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कम्युनिकेट करना, तो ये कम्युनिकेटिंग वाला पार्ट भी यू नो इम्प्रूव हो, ये चीज़ को ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट करना वेरियस एक्टिविटीज को बिटवीन बोर्ड ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, यानी कि MAD मैनेजमेंट ऑडिटर डायरेक्टर, मैड लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना। सो अगला पॉइंट आ रहा है इवेल्युएट करना एंटरप्राइज के एथिक्स को, एंटरप्राइज के एथिक्स जो है उसको इवेल्युएट करना है। सिंपल सा पॉइंट है, अभी पहले भी हमने एथिक्स के बारे में पढ़ा कि उसको इम्प्रूव करना है, पहले में इम्प्रूव था अब इवेल्युएट है। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, उसके डिज़ाइन उसका इम्प्लीमेंटेशन उसकी इफेक्टिवनेस, ठीक है? और रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ को सी रेड में हाईलाइट किए हुए, आप इस पर फोकस रखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि इस पॉइंट के रिलेटेड आपको किस चीज़ में रहना है, क्या लिखना है। अगले उसमें चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर एक्टिविटी मस्ट इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और फिर मैं आपको बता दूँ रिस्क मैनेजमेंट है तो आप साथ में लिख सकते हैं आइडेंटिफाइंग द रिस्क, असेसिंग द रिस्क, मिटिगेटिंग द रिस्क। सॉरी अगला पॉइंट है इंटरप्रिटेशन के बारे में, डिटरमाइन इफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आर इफेक्टिव। इफेक्टिव है ये डिटरमाइन करो, अब किस चीज़ में? इन जजमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर्स असेसमेंट, यानी कि इंटरनल ऑडिटर ने जो असेसमेंट किया उससे जो जजमेंट आई उसके रिगार्ड में। अब जजमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, डेट क्या क्या, डेट क्या क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और अलाइंड है मिशन के साथ में, यानी कि इकट्ठा चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। मिशन भी हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उस रिस्क से रिलेटेड रिस्पॉन्स भी हम अप्रोप्रिएट दे रहे हैं, आइडेंटिफाई फिर रिस्पॉन्स। फिर रेलिवेंट रिस्क इंफॉर्मेशन जो कैप्चर हो रही है, जो रेलिवेंट रिस्क इंफॉर्मेशन वो कैप्चर भी हो रही हो और कम्युनिकेट भी हो रही हो। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कम्युनिकेट वाला पॉइंट फिर से आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, आप उनको अपना बेस बना सकते हैं, अगर बहुत कुछ याद ना आए तो कम से कम वो यूज़ करिए। सो अगला पॉइंट आया रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। इंटरनल ऑडिटर को मस्ट गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंगेजमेंट, बहुत सारे एंगेजमेंट में वो इन्वॉल्व होगा, तब वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा।
अंडरस्टैंड करने में कि ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस, वही सिंपल से पॉइंट, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसकी ओवरऑल क्वालिटी को असेस करने की बात होती है। अगला पॉइंट है एवेल्युएट करना है रिस्क के एक्सपोजर क्या है, फ्रॉड क्या है, फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क, फ्रॉड के रिस्क क्या क्या है, एड्रेस करना है एडिक्वेसी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, यानी कि जितना रिस्क मैनेजमेंट करने का प्रोसेस है क्या वो एडिक्वेट है या वो एडिक्वेट नहीं है। तो अगला पॉइंट आ रहा है सैम्पल एरिया ऑफ रिव्यू ऑफ असेसिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क, असेस करना और मैनेज करना रिस्क को। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था वो था सैम्पल एरिया ऑफ GRC रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिटर, ये क्वेश्चन अलग है, सिमिलर साउंडिंग है पर अलग है, यह रिस्क को असेस करने और मैनेज करने से रिगार्ड में। पहले ही आपको आ गया कि आइडेंटिफाई करो रिस्क को, रिस्क को एनालाइज करो, रिस्क को असेस करो, उसको आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, असेस करो, उसको मिटिगेट करो, उसको कम्युनिकेट करो, सारे वही पॉइंट आ रहे हैं। उसके बाद उसको रीअसेस करो, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क क्या है वो उसके बारे में बात करता है, एनालाइजिंग आ गया देखिए, क्वालिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करता है, क्वालिटी के बारे में बात करता है, आपने मेथड मेथड क्या यूज़ किया, मेथडोलॉजी के बारे में बात करता है, आपके प्लान्स क्या थे, टाइमली असेसमेंट हुआ या टाइमली री असेसमेंट के बारे में बात करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बात करता है, ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ये हमारे लास्ट टू पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, बुक में ये दो अलग अलग पार्ट में दिए हुए हैं पर मैंने इन दोनों को एक स्लाइड में लिया है, इनको लिंक किया है, क्योंकि अब आप देखेंगे एक चार्ट में मैंने इसको लिंक किया है, जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसको इकट्ठे पढ़ने से आपके बारे में थोड़ी आसानी होगी क्योंकि सिमिलर बेस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएटिंग एंड असेसिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो इवेल्युएट करना है असेस करना है सिस्टम किसका, इंटरनल कंट्रोल का, तो कैसे होगा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, दूसरा करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे डेफिशिएंसीज को और इनसफिशिएंसीज को, इनएफिशिएंसीज को प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, यानी कि पहले मॉनिटर करेंगे, फिर हम गलतियाँ निकाल लेंगे, फिर आगे भी प्लानिंग करेंगे कि फ्यूचर में ये गलतियाँ ना हो या इन्हें हम मिटिगेट कर लें, तो ये तीन पॉइंट बहुत आसान है। अब इनसे रिलेटेड जो इनके सब पॉइंट्स हैं वो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस SSQ फिर से आ गया, फॉर असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग, असेस करना और इवेल्युएट करना सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और फिर से असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल ठीक है, तो जब हमें असेस और इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल करना है उसके तीन पॉइंट हैं कि मॉनिटर करो, आइडेंटिफाई करो और प्लान करो, तो यहाँ पे भी वही है, मॉनिटर के क्या है, मॉनिटर करो इंटरनल कंट्रोल को, रिव्यू करो बिजनेस प्रोसेस को और कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को, आइडेंटिफाई करने के क्या है पॉइंट्स, प्लान करो भैया कंट्रोल की सेल्फ असेसमेंट, यानी कि प्लानिंग बना लो सेल्फ असेस कैसे करना है, असेसिंग से ही आप आइडेंटिफाई करेंगे ना, आइडेंटिफाई करो रिपोर्ट करो कि ये डेफिशिएंसीज है, तो इंश्योर करो कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है यानी कि जो ऑडिट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है और वो क्वालिफाइड है, इस लायक है कि वो इवेल्युएट कर सके। अगला है प्लान ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन से रिगार्डिंग, प्लान करो एश्योरेंस की एक्टिविटीज इनिशिएटिव, स्कोप ऑफ एश्योरेंस इनिशिएटिव और एग्जीक्यूट करना है एश्योरेंस के इनिशिएटिव्स को, प्लान स्कोप और एग्जीक्यूट ऑफ एश्योरेंस इनिशिएटिव, सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टडी वेल लिव वेल वर्क हार्ड एंड बिकम अस